नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो आज हम इसी का ट्यूटोरियल सीखेंगे, और यदि आप भी इस भजन को सीखना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये मेरी 100% गारंटी है कि एक ही दफ़ा में आप इसको बजाना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा ये भजन है। तो ये मेरा सा होगा पहली काली। तो सा रे गा और तीव्र मा का यूज होता है इसमें, पा धा नी और तार सप्तक का सा। सा नी धा पा मा गा रे सा, और मंदिर सप्तक में एक बटन लगेगा नी शुद्ध। और साथियों, इसके अलावा इसमें शुद्ध मा का यूज भी होता है, यानी तीव्र मा भी लगेगा और शुद्ध मा भी लगेगा। ठीक है, वैसे तो अगर हम इसके थाट की अगर बात करें तो थाट यमन पर यह आधारित है, लेकिन इसमें शुद्ध मा का यूज भी हो जाता है। ठीक है, यही बटन इसमें लगेंगे। तो चलिए मैं पैटर्न बाय पैटर्न आपको बताऊंगा भाई, और ये आपकी मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरा बताया हुआ आपको 100% आपके समझ में आएगा और आप इसको बजाना सीख जाएंगे। शुरुआत इसकी सा से ही होती है। तो पहली लाइन क्या है, सजा दो घर को गुलशन सा, यह है सजा दो घर को गुलशन सा, पहले इतना सीखिए आप। ठीक है, देखिए तो इसमें किस तरह से बजाएंगे, देखिए। यह है, अब इसमें शुद्ध मा का यूज भी हो गया है और तीव्र मा का यूज भी होगा। तो अब क्या करेंगे, दोबारा आप लेंगे सा, सजा दो घर। तो सजा दो घर के लिए ये दो बार सा लेंगे, फिर गा लेंगे, फिर तीव्र मा लेंगे और पा पर रुक जाएंगे। तो ये हो जाएगा सजा दो घर, सजा दो घर। अब घर को गुल सने सा, अब को गुल सने सा। तो को गुलशन के लिए क्या करेंगे आप, मा पा फिर मा फिर गा फिर मा शुद्ध वाला और यहां गा पर रुक जाएंगे। यह है देखो, सजा दो घर को गुलशन सा, अब अवध में राम आए हैं। यह है, ये अवध में राम आए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अवध में, तो अवध में क्या करेंगे, दो बार आप गा लेंगे, फिर रे लेंगे, फिर सा लेंगे और यहां रे पर रुक जाएंगे। अब राम आए हैं, तो राम आए हैं राम, तो राम के लिए तीव्र मा का यूज करेंगे और पा राम। अब आए हैं, तो आए हैं के लिए क्या करेंगे, गा रे सा नी और फिर सा पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहली लाइन हो गई। अब इसकी यही लाइन ऊपर बजे जाती है जो नी से शुरू होती है, अवध में राम आए हैं, इस तरीके से। इसमें क्या करेंगे, तीन बार लेंगे नी नी नी, फिर धा सा नी पा धा नी सा, यानी तीन बार धा, तीन बार नी नी, फिर धा, फिर सा, फिर नी, फिर पा धा नी और सा पे चले जाएंगे। उसके बाद है अवध में राम आए, अवध में राम आए हैं। उसकी अगली लाइन है मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। यह है, मेरे सरकार आए हैं। यह है, अब इसको समझिए क्या है। इसमें क्या करेंगे आप, तीन बार तीव्र मा लेंगे, मेरे सरकार आए हैं, मा 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 धा नी धा
पा मा और फिर पा पे रुक जाएंगे। ठीक है, मेरे सरकार आए हैं, उसके बाद मेरे सरकार आए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दो बार मा मा पा धा, फिर पा, फिर गा रे सा नी और सा। सरकार आए हैं। तो चलिए साथियों, मैंने पूरे फुल तरीके से आपको बता दिया है, आप इस भजन को बजाना सीखिए। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।